तो दोस्तों मोज एप्लीकेशन पे मेरी जिस आईडी का एमएफसी में यानी कि मोज फॉर क्रिएटर में सिलेक्शन हो गया था उसके ऑलरेडी 3 महीने कंप्लीट हो गए थे। तो उस टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 3 महीने बाद आपको मिंट्स मिलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पिछले 2 वीक से मिंट्स मिलना बंद हो गए थे, ठीक है। लेकिन पिछले वीक और आज गुरुवार है तो आज भी मुझे मिंट्स मिलेंगे। पिछले वीक मुझे मिंट्स मिले थे लगभग 250 तक, ठीक है। तो 250 मिंट्स मुझे मिलने शुरू हो गए थे, ठीक है। तो फिर से मिंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे आपके भी, ठीक है। किस तरह से आपको क्या क्या काम करना है, किस तरह से वीडियो बनाने हैं, तो आपको भी फिर से मिंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कई सारे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर रहे हैं लोग कि मेरे मिंट्स मिलना बंद हो गए हैं, मेरे 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर बोला गया था मोज बडी के द्वारा कि 3 महीने बाद आपको मिंट्स मिलना बंद हो जाएंगे। एमएफसी प्रोग्राम जो होता है वो 3 महीने का ही होता है, ठीक है। तो मोज बडी ने मुझे बताया था तो मैंने आपके सामने शेयर किया था सारा का सारा चीज़, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अगर कम्प्लीटली वर्क करोगे जिस तरह से मैं बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे, तो आपको भी फिर से मिंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मुझे कई सारे इंस्टाग्राम पर लोगों के मैसेज आए थे कि मुझे मिंट्स मिलना बंद हो गए पिछले 2-3 वीक से, ठीक है। लेकिन मेरे भी ऐसा ही हुआ था, मेरे साथ भी मेरे भी मिंट्स मिलना बंद हो गए थे 2 वीक से, ठीक है। लेकिन पिछले वीक और आज गुरुवार को भी मुझे मिंट्स मिलने वाले हैं। तो किस तरह से आपको भी मिंट्स मिलेंगे मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों लाइव ग्रुप के साथ में दिखाता हूँ। दोस्तों ये है मेरा मोज प्रोफाइल जिसपे मुझे 2 वीक से मिंट्स मिलना बंद हो गए थे, लेकिन पिछले वीक मुझे मिंट्स मिले थे, मैं आपको दिखा देता हूँ हिस्ट्री में। तो यहाँ पर वॉलेट में जाएंगे, हम वॉलेट में जाके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे मिंट्स मिले हैं 172, ठीक है। टोटल मेरे मिंट्स हैं 21,800 समथिंग, ठीक है। लेकिन पिछले वीक मुझे मिंट्स मिले थे 172। मैं हिस्ट्री में जाके आपको दिखाता हूँ तो पिछले 2 वीक से मुझे मिंट्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 30/6 यानी कि 30/6 को मुझे मिले थे और 23/6 को मुझे मिले थे, लेकिन सीधे 21/7 को मिले, मतलब कि 2 वीक तक मुझे मिंट्स नहीं मिले थे, लेकिन फिर से मुझे 21/7 को मिंट्स मिले, ठीक है, 172। तो इस तरह से आपको भी फिर से मिंट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, अगर आपका एमएफसी में सिलेक्शन होता है तो आपको 3 महीने तक मिंट्स मिलते हैं, ऐसा मुझे मोज बडी ने बोला था, ठीक है। लेकिन अभी अभी मुझे मिंट्स मिले हैं पिछले वीक और आज गुरुवार है तो आज भी मिंट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको मिंट्स चाहिए फिर से तो क्या करना है, तो सिंपल ही आपको यहाँ पर सर्च बार में चले जाना है। सर्च बार में ट्रेंडिंग जो हैशटैग है, ये सारे ट्रेंडिंग हैशटैग है, इस पर आपको वीडियो बनाने हैं, ठीक है। और डेली आपको 2-3 वीडियो ही बनाने हैं, 3 से ज़्यादा नहीं और 2 से कम नहीं, ठीक है। तो मिनिमम आपको 2-3 वीडियो बनाते रहना है डेली, और ट्रेंडिंग हैशटैग पर ही बनाना है, जो बैनर पे यहाँ पर चल रहे हैशटैग उसी पर वीडियो बनाने हैं डेली। 2-3 वीडियो बनाओगे तो आपको फिर से मिंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ट्रेंडिंग हैशटैग पर वीडियो बनाओगे तो व्यूज़ अच्छे आएंगे, प्रोफाइल का एंगेजमेंट अच्छा रहेगा, और यहाँ पर आपको पता ही होगा कि प्रोफाइल का एंगेजमेंट जितना अच्छा रहेगा और यहाँ पर प्लस में रहेगा तो आपके मिंट्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा इनसाइट्स कुछ इस तरह सा है मेरा। यहाँ पर मुझे व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं अभी फ़िलहाल, और लाइक कमेंट एंगेजमेंट सब कुछ बढ़िया है मेरा, आप देख सकते हो। और मैंने डेली 2-3 वीडियो डाले हैं, आप देख सकते हो पोस्ट टोटल मेरी इस वीक की 22 हो गई, ठीक है। तो 2-3 वीडियो मैं पर हफ्ते डालता हूँ, तो आप भी अगर ऐसे वीडियो डालोगे 2-3 डेली, और जो मैंने बताया ट्रेंडिंग हैशटैग पर ही वीडियो डालनी है, यहाँ पर ट्रेंडिंग हैशटैग आपको शो हो जाएंगे, जो भी नए नए ट्रेंडिंग हैशटैग आते हैं उसी पर आपको वीडियो बनाने हैं। आपकी कैटेगरी को आपको भूल जाना है, सिर्फ ट्रेंडिंग हैशटैग को पकड़ कर वीडियो डालोगे तो आपके भी मिंट्स फिर से मिलना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि मेरे हो गए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।